अभी बात करते हैं धमतरी की, जहां पर मगरलोड में एक ग्राम की बात करते हैं और उस ग्राम में आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर पंचायत गिरोह में स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव में बनाए गए सभी सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बेहद खराब है। शौचालय इतने जर्जर हो चुके हैं कि कई सालों से उनका रिपेयरिंग नहीं की गई। दीवारें लगातार जर्जर हैं। सार्वजनिक शौचालय में ना ही छत है, ना ही दरवाजा लगा है और ना ही सीट लगी हुई है, आप देख रहे हैं, जिसके कारण अब ग्रामीण खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गुणवत्ता विहीन शौचालयों को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन मामले में जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने और मजबूत स्वच्छ शौचालय निर्माण करने की मांग की है। अब देखते हैं आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रामनाथ घर के बने हैं, तीन वाला सजाए हो देखा है, दिल्ली वाला बाकी है तो नहीं है। तो आप कैमरा में देख ही रहे, एकदम आदमी बैठे का दीवार ढह जाएगा, फट गया, कोई जगह दरवाजा नहीं लगा है। नहीं, जो भी है यहाँ जांच कराए, आ करके आम जनता के बीच में बैठ के जांच कराए, वो आते हैं पंचायत वाले को पूछ देते हैं, हो गया सब, सबमिशन बन गया। हमारे साथ इस संबंध में बातचीत के लिए टीएल सिन्हा जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, जिस तरह देखा जाए कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई स्वच्छता की सारी योजनाएं, यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो शौचालय का निर्माण किया गया है कहाँ लापरवाही बरती गई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और आखिरकार इनके पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए सर, शरद जी, क्या मगरलोड विकासखंड के गिरौद में इतने गंभीर रूप से मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें अभी तक सार्वजनिक शौचालय में कोई बैठने को तैयार नहीं है। कुछ दिन बैठा, उसके बाद में यहाँ छत गिर गया, उसका दीवार आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से टूटने लगा है और लोग क्या है वहाँ जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसके लिए ग्रामीणों ने कई बार इसको कलेक्टर से आवेदन किया और स्वच्छ भारत मिशन के लोगों से निवेदन किया कि भाई इस टाइप के शौचालय जो निर्माण किया जा रहा है उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसके बाद भी कोई अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण परिणाम स्वरूप इतने गंभीर इस टाइप से बनाया गया है। और इसका खास जिम्मेदार तो जो वहाँ जो ODF जो काम किया उसका है, पंचायत प्रतिनिधियों का भी क्या इसमें निगरानी नहीं किया गया, जिसके कारण इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि लोग वहाँ दहशत में है बैठने के लिए। और अभी लोग क्या है, देखिए ग्रामीणों ने प्रतिक्रिया दी है सिन्हा जी, ग्रामीणों ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके आधार पर ये लगता है कि ये मामला काफी पुराना भी है और साथ में कहीं ना कहीं इन्होंने इस बारे में शिकायत भी की होगी, लेकिन शिकायत जब की होगी तो अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसको मैं जिला पंचायत सीओ से बात किया तो बोले कि पुराना है और मॉडल के रूप में हम गांव के जो शौचालय को दिखा रहे हैं, बाकी सार्वजनिक शौचालय का हम जांच कराएंगे, लेकिन अभी तक जांच किया गया नहीं है न उसमें कोई कार्रवाई किया गया है, जिसके कारण क्या है भ्रष्टाचार दिनों दिन और बढ़ते गया है। न लोगों को वहाँ कुछ राशि दिया गया, न वहाँ कुछ जो पर्याप्त मात्रा में सीमेंट और जो देना चाहिए मटेरियल वो नहीं दिया गया, जिसके कारण गुणवत्ता ही शौचालय का निर्माण किया गया है। सर जी, क्या लगता है ग्रामीणों का क्या कहना है, आप किस एक्शन मूड में नजर आ रहा है, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या करना चाहते हैं आगे? ग्रामीण लोग अगर इस तरह से जो भ्रष्टाचार के उसके अगर जांच नहीं करवाएंगे तो वो लोग धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलने की बात की है और तत्काल इसमें रूपरेखा बनाने की बात ग्रामीणों ने की है। चलिए हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ चुके हैं, मंगल निषाद। मंगल जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। हम जानना चाहेंगे कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं मगरलोड में, वहाँ शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है और जो किया गया है वो भी जर्जर हालत में है, तो क्या आप लोगों ने मिलकर कभी एकजुट होकर इसके बारे में शिकायत नहीं की ऊपर जाकर? शिकायत की है, दो तीन बार शिकायत किए हैं जी, सूचना का अधिकार लगा करके भी मांग किए हैं, फिर भी कोई शिकायत में जांच नहीं हुआ जी। तो इसके पीछे कौन लापरवाही बरत रहा है, इसके पीछे क्या वजह है जी, इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, क्यों लोग इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या लगता है यहाँ भी कोई भ्रष्टाचार की बू तो नहीं आ रही है? हाँ, भ्रष्टाचार है इसमें तो, पूर्ण भ्रष्टाचार है जी। चलिए मंगल जी, आप इसमें इस मुहिम में लगातार लगे रहे हैं और हो सकता है इस पर कोई कार्रवाई हो आगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी बाहुल